मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अयोध्या दौरे पर हैं योगी, रामलला के किए दर्शन। सीएम योगी के साथ साधु संतों का काफिला, सबको उम्मीद योगी जल्द ही बनवाएंगे राम मंदिर। रामलला से पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर में गए सीएम योगी, रामलला से पहले हनुमान की पूजा की है मान्यता। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने की पूजा, जय श्री राम के नारों के साथ गूंजी शंख ध्वनि। योगी से पहले 1991 में यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने भी किया था अयोध्या का दौरा, रामलला के किए थे दर्शन। योगी के दौरे को लेकर पूरे अयोध्या में उत्साह का माहौल, सड़कों पर झूमते नजर आए लोग, गलियों और छतों पर चढ़े थे लोग सीएम योगी की एक झलक पाने की कोशिश। सीएम योगी सरयू नदी के किनारे पहुंचे, साधु संतों के साथ की पूजा। सरयू के घाटों के लेकर सीएम योगी ने दिए कई निर्देश, सरयू महोत्सव के साथ वाराणसी की तर्ज पर आरती का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने घाटों के टाइल्स को बदलने का दिया निर्देश, दीवारों की भी मरम्मत के आदेश। आज अयोध्या में सीएम का दिन भर है कार्यक्रम, महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में भी होंगे शामिल। योगी के अयोध्या दौरे पर विनय कटियार ने कहा, सीएम आदित्यनाथ कर रहे हैं अच्छा काम, जरूर बनेगा राम मंदिर। सुबह फैजाबाद में उतरा था योगी का हेलीकॉप्टर, संतों के समाज ने की अगुवाई। फैजाबाद मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री, दीनबंधु अस्पताल का भी करेंगे निरीक्षण। फैजाबाद के प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा का सीएम करेंगे उद्घाटन, नवद यूनिवर्सिटी में पार्टी के पदाधिकारियों से होगी चर्चा। योगी के अयोध्या दौरे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाने की कोशिश। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह का सवाल, योगी क्यों नहीं जाते सहारनपुर, जेवर और गोंडा। आदित्यनाथ करेंगे 31 मई को और 7 तारीख को मैं इसका समापन करूंगा, ये ऐसा तय हुआ था, तो ये पहले से तय प्रोग्राम था। यूपी में बदमाशों के बुलंद हौसलों पर कोई असर नहीं, ग्रेटर नोएडा के जेवर में फिर लूटपाट। जेवर टोल के पास चार बदमाशों ने एक बाइक सवार को घेरा, चाकू मारकर छीन लिए 50,000 रुपए और लूट ली चेन। सहारनपुर में जातीय हिंसा के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई, भड़काऊ पोस्ट डालने वाले कई अकाउंट बंद। फेसबुक के 74 प्रोफाइल, ट्विटर के 35 और यूट्यूब के 32 प्रोफाइल किए गए बंद, अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया कदम। नोएडा के मोरना गांव में 5 साल की बच्ची से रेप, पड़ोसियों ने मिलकर आरोपी को पुलिस को सौंपा। चेन्नई में बीफ पार्टी पर मचा बवाल, थमा नहीं, आईआईटी मद्रास के बाहर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस के साथ झड़प, सड़क पर लेट गए थे कई छात्र छात्राएं। कन्नूर गौ हत्या के विरोध में अहमदाबाद में प्रदर्शन, बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। यूपी के हरदोई में बजरंग दल ने लगाया विवादित आत्मरक्षा शिविर, शस्त्र अभ्यास का भी आयोजन। 24 मई से चल रहा है आत्मरक्षा शिविर, सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका, एम्बेसी इलाके की घटना, पूरे इलाके में अफरा तफरी। जर्मन एम्बेसी के पास धमाके की खबर, 19 की मौत, 300 से ज्यादा घायल। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं, पानी की टंकी में था विस्फोटक, भारतीय एम्बेसी की बिल्डिंग को मामूली नुकसान। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया ट्वीट, इंडियन एम्बेसी के सभी लोग सुरक्षित। सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती हमले का बताया जा रहा है शक, सुबह का वक्त होने की वजह से सड़क पर थे लोग। घाटी में हिजबुल के आतंकियों की नई तस्वीर जारी, ट्रेनिंग के बाद की ग्रुप फोटो। पाक अधिकृत कश्मीर मुजफ्फराबाद की बताई जा रही तस्वीर, आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए चलते हैं कैंप।
दिल्ली में एनआईए के हेड ऑफिस के बाहर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, बिट्टा कराटे को जेल में भेजने की मांग। स्वीडन में भी बलूच के नागरिक सड़क पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। ग्रेटर नोएडा में इको कार और पीसीआर वैन में टक्कर, टक्कर के बाद पीसीआर वैन में लगी आग। हादसे में जलकर खाक हो गई पीसीआर, दारोगा सहित चार लोग घायल। गाजियाबाद में अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर छापा, 8,500 किलोग्राम लहन, 350 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त। चेन्नई के टी नगर में गहनों और कपड़ों की दुकान में आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर। 70 दमकल कर्मियों ने 7 लोगों को किया रेस्क्यू, अब अंदर किसी के फंसे होने की खबर नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव में सड़कों के बीचों बीच फटी पानी की पाइपलाइन, भूमिगत पाइपलाइन फटने से सड़क पर आया सैलाब। बगदाद में कार धमाके में 13 लोगों की मौत, बीच बाजार हुए इस ब्लास्ट में आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। कोलंबो में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए भेजी गई राहत की एक और खेप, पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, करीब 1,00,000 प्रभावित। बर्लिन में अंधड़ और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क और मेट्रो में भारी भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। अमेरिका ने अपने रक्षा कवच को किया और मजबूत, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण।